हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो हम देखेंगे उसी को तो फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं बुराई देखूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो ही तो आ जाएगी और मैं वैसी ही तो बनूंगी। इस बात का जब हम अटेंशन रखेंगे तब ही हम अपना हर रोल अच्छी तरह निभा पाएंगे तथा भीतर से और शक्तिशाली भी बनते जाएंगे। क्योंकि अगर हम हर्ट हो गए, अगर हम फील कर लेते छोटी छोटी बातों को, उन्हें मन से लगाकर बैठ जाते हैं, तो अर्थात हमारे अंदर बदले की भावना आ गई और इसका मतलब हमने अब परमात्मा को छोड़ उस आत्मा को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके पाप कर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। अर्थात इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ मैं भी ऐसा ही करूंगा। और अगर हमने भी वैसा ही किया तो अर्थात हम वैसे ही बन गए, तो फिर उसमें और मेरे में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो हम इस समय के मूल्य को समझें। भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू को समझ अपने मन की स्थिति को अब श्रेष्ठ बनाए, वरना इन छोटी छोटी बातों में उलझे रहकर हम जाने अनजाने अपने लक्ष्य से ही दूर होते जाते हैं और अपने रोल को भी खराब करते जाते हैं।